आज हमारे साथ है बॉलीवुड के मॉडर्न मजनू, जिन्होंने अपनी अदाकारी से हर किसी का दिल जीता है। जी हाँ, मेरे साथ है अविनाश तिवारी। वेलकम टू E24। थैंक यू सो मच। सो फर्स्ट ऑफ ऑल कॉन्ग्रेचुलेशन, आपकी जर्नी काफ़ी खास रही है। आपने हमेशा ऑडियंस के दिलों पर अपनी जो एक खास छाप है छोड़ी है हमेशा। क्या कुछ कहना चाहते हैं? घोस्ट स्टोरी रिलीज हो चुकी है, काफ़ी प्यार मिल रहा है आपके कैरेक्टर को, क्या कुछ कहना चाहते हैं? फॉर्चुनेट हूँ और क्या कहूँ, मुझे ये मौका मिला कि मैं ऐसे एंथोलॉजी का पार्ट बन सकूँ, घोस्ट स्टोरी, जिसमें चार इतने बेहतरीन डायरेक्टर्स हैं, और उसका हिस्सा बनने का मौका मिला, करण के साथ काम करने का मौका मिला, उनकी फिल्म में जो वो डायरेक्ट कर रहे हैं, तो सौभाग्यशाली समझता हूँ अपने आप को। आई फील वेरी फॉर्चुनेट कि मुझे इस लायक समझा गया कि मैं ऐसा काम कर सकूँ, और कोशिश हमेशा यही रहती है कि पूरी शिद्दत से साथ काम किया जाए, और ऐसा आपने कहा ऑडियंस के दिलों पर थोड़ी सी छाप छोड़ी जाए। वो आपको लगता है थोड़ी सी, लेकिन लोग आपको हमेशा याद रखते हैं, मजनू का कैरेक्टर हो या कुछ भी आपने जो भी किया है, काफ़ी डीपली आप जाते हैं, काफ़ी पसंद करते हैं लोग। खैर, करण जौहर की बात हो तो करण जौहर हमेशा रोमांटिक फिल्मों के लिए माने जाते हैं, उनके साथ घोस्ट स्टोरी के साथ इस तरह के एक जॉनर के साथ आना क्या कुछ खास था? जी एक्चुअली जब मेरी मुलाकात हुई करण से तो हमने इस बारे में बात की, उन्होंने कहा यार मैंने कभी ये किया नहीं है और मुझे पता भी नहीं करना कैसे है, सो लेट्स एक्सप्लोर। तो हमारा मूड थ्रू आउट पूरे फिल्म में यही था कि हम कुछ बनाने की कोशिश कर रहे हैं, हम एक नज़र से देखते थे वो ऑडियंस तक पहुँचाए, और करण जिस तरह से मुझे बताते थे मैं वो कोशिश करता था कि अपनी तरह से अपनी पूरी शिद्दत से करूँ। पूरी फिल्म मतलब ऑन सेट रियली इन्वॉल्व हुई है, और मैं इसमें आई नीड टू थैंक मृणाल, क्योंकि वो भी इतनी बेहतरीन एक्टर है कि जिनके साथ आप मिलकर इम्प्रोवाइज कर सकें इन द मोमेंट, सिर्फ रिहर्सल पे नहीं बल्कि जब टेक चल रहा हो, बीइंग इन द मोमेंट आप इम्प्रोवाइज कर सकें, ऐसे बहुत कम एक्टर्स मिलते हैं जो उस चीज़ के लिए तैयार हो, एंड आई वाज रियली फॉर्चुनेट कि हमारी साथ में पेयरिंग हुई, होपफुली हम फीचर करें साथ में। बट ये तभी हो पाया जब करण जैसे डायरेक्टर हमें वो मौका देते हैं, वो स्पेस देते हैं, और इतना भरोसा रखते हैं कि ये हैं, इस लायक हैं कि ये काम कर सकें, सो थैंक्स टू हिम रियली वेरी ऑनेस्टली। वैसे अगर बात की जाए तो जो सोशल मीडिया पे जो कमेंट्स आ रहे हैं कि बहुत खास बनाई है, बहुत पसंद किया जा रहा है, फिर भी पर्सनली क्या कुछ कॉम्प्लीमेंट मिले हैं इंडस्ट्री से या आपके करीबियों से, फैमिली से, क्या कुछ रिस्पांस अब तक मिला है? सो मुझे बहुत ही मिक्स्ड रिस्पांस मिला है, बहुत लोगों को फिल्म उस तरह से पसंद नहीं आई, और बहुत लोगों को बहुत पसंद आई है। सो क्योंकि अभी ये मेरे लिए शुरुआती दौर है, मुझे ये समझ में नहीं आता कि कौन सी बात सही है कौन सी कैसी है, इसलिए मैं ना अपने पॉइंट ऑफ व्यू को ज़्यादा मायने देता हूँ ऐसे वक्त पे। और मुझे पर्सनली लगता है कि मेरी जो खुद की उम्मीद थी इन चारों फिल्मों से वो कहीं ना कहीं पूरी नहीं हुई, बट एट द सेम टाइम मुझे ये भी लगता है कि जो इन चारों फिल्म मेकर्स ने करने की कोशिश की है वो बहुत ही इंटरेस्टिंग था, क्योंकि उन सारे लोगों ने हर फिल्म में आपको लगेगा कि बहुत सारे मोमेंट्स हैं जो आप जो आपको नॉर्मल हिंदी कन्वेंशनल सिनेमा में देखने नहीं मिलता है। वी हैव इवोक्ड इंसाइटेड इन्वोक्ड इमोशंस लाइक क्रीप एंड बीइंग क्रीप्ड आउट, बीइंग ग्रोस्ड आउट, द नॉर्मल जंप स्केयर्स आर देयर, देयर आर साइकोलॉजिकल फियर्स। द टैग लाइन ऑफ नेटफ्लिक्स फॉर द शो वॉज योर फियर्स विल फाइंड यू, एंड इट इज़ एवरी वन, हर आदमी के अपने अपने तरीके के घबराहट डर होते हैं जिंदगी में, और ये हर आदमी को छूने की कोशिश करें। हाँ, कहीं ना कहीं एक आई जस्ट फेल इट समवेयर, इट डिड नॉट कम टुगेदर फॉर मी, बट पीपल हैव लव्ड इट, द पीपल हु हैव लव्ड इट हैव लव्ड इट होल हार्टेडली, पीपल हु हैव नॉट लव्ड इट, नॉट लाइक इट, हैव मिस्ड इट आउट, विच हैपन्स विद फिल्म्स। वो फिल्म बनाई ही इसलिए जाती है कि हर आदमी अपना एक विचार उसके सामने रख सके, उन्हें कैसे लगी, किस तरह से लगी, बट आई एम वेरी हैप्पी फॉर दिस होल एक्सपेरिमेंट दैट हैपेंड, एंड आई होप इट कंटिन्यूज, आई होप दीज फोर फिल्म मेकर्स गो एंड मेक समथिंग मोर, क्योंकि ये दे हैव पुश द एनवेलप, उन्होंने नॉर्मल कन्वेंशनल सिनेमा जो हम देखते आ रहे हैं उससे कुछ अलग बनाने की कोशिश की है, एंड वी शुड अपलॉड, रियली अपलॉड देम फॉर दिस, इट्स नॉट एन ईजी थिंग टू डू, एंड आई एम ग्रेटफुल। एग्जैक्टली, सही बात कही आपने, काफ़ी कम एक्टर होते हैं, ये एक एक्टर की बहुत बड़ी क्वालिटी है कि अगर उसे जो रिस्पॉन्स मिले, जैसा कि आपने कहा मिक्स रिस्पॉन्स मिले हैं, कि
बहुत ही बड़ी क्वालिटी है कि आप लोगों के सामने ये बात कह रहे हैं। खैर अगर बात की जाए कि किस जिस तरह आपको रिस्पांस मिक्स मिल रहे हैं, तो क्या कुछ मतलब क्या फीडबैक के तौर पर आप लेते हैं इस वक्त ये करंट वक्त? तो मुझे जैसे ये ज़रूर मैं कह सकता हूँ कि थैंकफुली जितने लोगों ने देखी है उन्होंने सारे फिल्मों के परफॉर्मेंसेस को अप्रिशिएट किया, उस फिल्म के प्रोडक्शन वैल्यू को अप्रिशिएट किया है, फिल्म के डीओपीस को, सेट्स, डिज़ाइंस, एवरीथिंग। सो एवरीथिंग इज़ ऑफ द हाईएस्ट ग्रेड, विच इज़ व्हाई आई एम सेइंग इट्स डिड नॉट कम टुगेदर। सब चीज़ अच्छे होते हुए भी कहीं ना कहीं कुछ रह गया, वो क्या है मेरी समझ नहीं है इस वक्त, वेरी ऑनेस्टली मैं नहीं जानता हूँ। जहाँ तक पर्सनल परफॉर्मेंस की बात है तो मुझे अभी तक तो सब अच्छा ही सुनने मिल रहा है, किसी ने गाली तो नहीं दी कि तुमने ऐसा घटिया काम किया, तो मुझे लगता है शायद सही किया होगा। बट मुझे याद है कि जब वो कर रहा था तो मुझे रिस्की परफॉर्मेंस लगता था, क्योंकि आप अकेले में बात कर रहे हैं और ग्रैनी से, और यू हैव टू क्रिएट द बीट्स फॉर द अदर आर्टिस्ट जो नहीं है। आई थिंक मोस्ट एक्टर्स वुड अग्री दैट इट्स नॉट द मोस्ट ईजीएस्ट थिंग टू डू। सो हल्की सी घबराहट थी मुझे इस चीज़ को लेकर, कहीं कुछ ऊपर नीचे ना हो जाए। अभी तक तो सब सही सुनने मिल रहा है, अगर कुछ हो, किसी को पता हो, कुछ चीज़ें नहीं सही लगी तो प्लीज़ मुझे बताइए, मुझे बेहतर होने का मौका मिलेगा। और साथ ही साथ ये फिल्म तो रिलीज़ हो चुकी है, इस सीरीज़ काफ़ी पसंद किया जा रहा है, नेटफ्लिक्स पे आप फिर से नज़र आने वाले हैं, कुछ उसके बारे में बता दें। और भी काफ़ी लंबी जर्नी है, कुछ हमें बताएं। इस साल दो फिल्में और आ रही हैं मेरी नेटफ्लिक्स ओरिजिनल, एक और है बुलबुल जो कि क्लीन स्लेट ने प्रोड्यूस की है और अमिता दत्त डायरेक्ट कर रही हैं, उसमें मैं तृप्ति के साथ वापस आ रहा हूँ। तो जिन्हें लैला मजनू पसंद है और जिन्हें हमारी केमिस्ट्री पसंद है, प्लीज लुक फॉरवर्ड टू इट, वी आर कमिंग अप विद समथिंग वेरी डिफरेंट। ये मैं बोलते नहीं थक रहा हूँ कि आई थिंक द फिल्म बुलबुल हैज़ अ पोटेंशियल टू बी अ सरप्राइज फिल्म ऑफ द ईयर। आई रियली थिंक इट्स, आई कांट इवन पुट इट इन अ जॉनर, बट फॉर मी इट्स अ फैंटेसी पीरियड फैमिली ड्रामा विद अ हिंट ऑफ हॉरर एंड समथिंग वेरी यूनिक, समथिंग दैट आई हैव डेफिनेटली नॉट सीन इन इंडिया। सो really looking forward to, I hope ki usme everything comes together. I haven't seen the film but I hope that happens. The other film is The Girl on the Train which is the screen adaptation of book of the same name by Paula Hawkins. It's being directed by Ribu Das Gupta and being produced by Reliance. Ribu Das Gupta ke sath maine Yudh mein kaam kiya tha, to ye hamara second outing hai together, aur wo pata nahi mere andar kaun sa kameena dekhte hain, because he happens to find the most weirdest characters for me, and for me this was a part jo kisi aur actor ko milta to mujhe bahut jalan hoti. So I'm sure dusre actors se inko pata hoga ki ye part mere paas hai, wo jal rahe honge kyunki hai aisa part. Aur Ribu ne se bahut khoobsurati se uska, you know, he's amped the drama, and with artists like Pariniti Chopra and Aditi Rao Hyderi and कीर्ति कुलारी, आई थिंक दे वो फॉर्मेडेबल टीम। ये वैसी टीम थी लिटरली जहाँ पे सब लोग ना अपने सॉक्स पुल अप करके, पता है कि सब धुरंधर हैं यहाँ पर, और सो एवरीवन वाज ऑन देयर टोज। आई थिंक द परफॉर्मेंसेस अगेन इन बोथ द फिल्म्स विल बी वेरी एक्नॉलेज्ड। आई रियली होप दैट हैपेंस। सो थैंक यू सो मच हमसे बात करें, आई होप कि जो आपकी आने वाली फिल्में हैं लोगों के दिलों में और भी छाप छोड़े, और जो आपका कैरेक्टर जो हमेशा पसंद किया जाता है, इस बार उससे भी ज़्यादा हाइप मिले और पसंद किया जाए। थैंक यू सो मच हमसे बात करने के लिए। कैमरा संजय यादव के साथ उमेश शुक्ला, E24 मुंबई।